Actor Saif Ali Khan says his character of an Indian Muslim in Phantom has a crucial undercurrent because they wanted to show that Indian Muslims also feel patriotic about their country. मेरे कैरेक्टर का नाम दानियाल खान है. ये ज़्यादा स्ट्रेस नहीं किया कि वो एक इंडियन मुस्लिम है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी मायने रखता है. एक अंडरकरंट सी बात है. कबीर खान भी एक इंडियन मुस्लिम है, मैं भी हूँ, साजिद नाडर वाले भी हैं. तो एक तरफ से हम चाहते थे कि इंडियन मुस्लिम्स भी पैट्रियाटिक फील करते हैं, यू नो. At an interview as part of promotions for his upcoming film Phantom, Saif said his character in the film is terminated from the army as he is accused of cowardice. ये एक आर्मी का कैप्टन है और कुछ होता है, एक इंसिडेंट के बाद उसे आर्मी से निकाला जाता है क्योंकि वो उसको कावर्डिस फॉर बीइंग अ कावर्ड उसको अक्यूज करते हैं और निकाल देते हैं आर्मी से. और वो कश्मीर में अकेला टूटा सा रह रहा है, बहुत डिप्रेस्ड है, उसकी फादर के साथ रिलेशनशिप्स ख़राब हैं, सबके साथ रिलेशनशिप्स ख़राब हैं. और रॉ में इस टाइम पे क्या 26/11 के बाद और काफ़ी टेररिस्ट अटैक्स के बाद एक आइडियलिस्टिक एनालिस्ट को लगता है कि हम सही तरह रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं. तो अगर हम भी एक ऐसे आदमी को एक मिशन पे भेजें जैसे वो हमारे ख़िलाफ़ भेजते हैं तो क्या होगा. तो रॉ के डायरेक्टर बोलते हैं कि उसके लिए एक पागल आदमी ढूंढना पड़ेगा, जैसे ट्रेलर में उन्होंने कहा. तो वो इनके पास आते हैं और उसको एक चांस देते हैं और ये हाँ कह देता है क्योंकि उसे एक अपने फादर को इम्प्रेस करने का एक मौका मिलता है, फिर से अपनी इज्जत वापस पाने का एक मौका मिलता है. तो जिस हिसाब से वो मिशन पे जाता है और कैसे क्या करता है और सक्सेसफुल होता है या नहीं इज द फिल्म. Phantom, डायरेक्टेड बाय कबीर खान एंड प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नाडियाडवाला, ऑल्सो स्टार्स कैटरीना कैफ इन द लीड. द फिल्म इज शेड्यूल्ड टू रिलीज ऑन August 28. IMS Report.